हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बंटी। आप देख रहे हो 2 in 1 चैनल। जैसा कि आपने देखा है कि NH7 में पेमेंट हो रहा है, तो चलो मैं भी बता देता हूँ। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रेफरल पॉइंट से, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपके कि रेफरल पॉइंट से और ये अर्न अमाउंट में कैसे जाते हैं, रुपए कन्वर्ट कैसे होते हैं। तो आप उस वीडियो में देख सकते हो, अगर आपके पैसे इसमें कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो नेक्स्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए, उसमें देख सकते हो। जैसा कि इसमें हो गए हैं, तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि पेमेंट विड्रॉ कैसे करें। चलो शुरू कर देते हैं। अगर आप अभी भी नए हैं और आपने डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा ये रेफरल कोड है, आप इसको लगा के 25 रुपये आपको मिल सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एड पेमेंट अकाउंट पकड़े ना, ठीक है, मेरा लग रहा है वैसे तो, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करना, नीचे क्लिक करके देखो, सेलेक्ट बैंक, बैंक और अकाउंट सेलेक्ट कर लेना आपको। सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर अपना नाम सेलेक्ट कर लेना, जो बैंक अकाउंट किसी का भी हो, अकाउंट नाम वही सेंड लगाना है, अकाउंट नंबर लगाना है, फिर से अकाउंट कंफर्म करना है, ब्रांच नेम लिखना है और आईएफएससी कोड होता है जो बैंक की पासबुक है उसके आगे लिखा रहता है आईएफएससी कोड। अगर नहीं दिख रहा होगा, बहुत से पासबुकों में नहीं दिखता है, तो आप गूगल से देख सकते हो अपने ब्रांच का लगा के। ऐड दिस बैंक अकाउंट, अगर ये सब लग जाए तो ऐड कर देना है, ठीक है। ओके, मैंने तो कर दिया, इसलिए अब चलो देखते हैं। ये हो जाने के बाद आप देख लेना ऐड हो चुका है, कि ये देखो मेरा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो मेरा अकाउंट हो रहा है। चलो अब मैं आपको पैसे डाल के बता देता हूँ। ये देखो पे आउट रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक कर देना आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो मेरे अकाउंट में है 550 रुपये, तो विड्रॉ पे कर देना है आपको क्लिक सिंपली। देखो पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है, देखो अब मेरे अकाउंट में 0 रुपये हैं। ये देखो, देख सकते हैं आप मेरे अकाउंट में 0 रुपये हैं। चलो देखते हैं, अब देखने के लिए इस पर पे आउट हिस्ट्री पे क्लिक करना है आपको। पे आउट हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो जस्ट अभी मैंने रिडीम किया, जस्ट ये देख सकते हो 550 रुपये का, और ये प्रोसेसिंग अभी चल रही है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरे अकाउंट में आ जाते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो मैं भी बता दूंगा आपको कि ये फेक ऐप है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हो कि ये अगर फेक है या अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरे देखने के लिए, और लाइक कर दें। अमाउंट शायद 7 या 10 तारीख के बीच में आ जाना चाहिए, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो ये फेक है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज तारीख है, 1 तारीख है। अगर आपको कभी भी रिडीम करना है, आपके अकाउंट में इतने पैसे हो और आपको रिडीम करना है अभी, तो 1 तारीख से और 6 तारीख के बीच में ही रिडीम करना है आपको, उसके बाद नहीं करना है, क्योंकि 6 तारीख से 7 तारीख से और 10 तारीख के बीच में इसके पैसे आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि लास्ट मंथ के लास्ट वीक में, जैसे कि 25 से लेकर और 30 तक इसके से, ये देखो रेफरल पॉइंट से और ये अर्निंग अकाउंट में चले जाते हैं इसमें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट, आपकी जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।